लिबास कहां तक होना चाहिए, मर्द का लिबास कहां तक हो और औरत का लिबास कहां तक होना चाहिए। मर्द का लिबास टखने से लेकर निस्पिडली तक होना चाहिए, निस्पिडली से लेकर टखने के ऊपर तक होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। और औरतों का लिबास टखने से नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारे मुआशरे में इसके बरक्स नजर आ रहा है, मर्दों का लिबास आए दिन नीचे होते जा रहा है, वो जमीन की गंदगी साफ कर रहे हैं, और औरतों का लिबास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते उठते उठने से ऊपर पहुंच रहा है। जबकि हदीस के अंदर इसे मना किया गया है, हदीस के अंदर यह हुक्म दिया गया कि मर्द का लिबास टखने से ऊपर होना चाहिए और औरतों का लिबास टखने से नीचे होना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा असफला मिनल काबैनी मिनल इजारी फफिन नार, जो कपड़ा टखने से नीचे होगा वो इतना हिस्सा जहन्नम के अंदर जाएगा। बाद लोगों ने कहा कि वो खुद जहन्नम के अंदर जाएगा। और एक दूसरी रिवायत सही मुस्लिम की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह कयामत के दिन बात नहीं करेगा, उन्हें पाक और साफ नहीं करेगा, रहमत की नजर से नहीं देखेगा। उन तीनों आदमियों में से एक आदमी वो होगा, अल मुस्बिल इजारहू, जो अपनी इजार को, अपने पैंट को, अपने तहबंद को जमीन से घसीटता हुआ चल रहा था। तो इससे मालूम हुआ कि मर्द का लिबास टखने से ऊपर होना चाहिए। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत आती है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास का जिक्र कर रहे थे कि लिबास कहां तक होना चाहिए, तो उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा वहां मौजूद थी। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि टखने से ऊपर लिबास होना चाहिए, तो उम्मे सलमा कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो हम औरतों के पैर नजर आ जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ बालिश तुम नीचा कर लो। तो कहने लगी अल्लाह के रसूल, फिर भी नजर आएगा। तो आपने फरमाया, एक हाथ तुम नीचा कर लो। तो आपने औरतों को टखने से नीचे कपड़ा रखने का हुक्म दिया। तो ये रिवायतें हुई जिससे मालूम हुआ कि मर्द का कपड़ा टखने से ऊपर हो और औरतों का नीचे होना चाहिए।